जो नया यूके लॉ है जो अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स के हवाले से पूछता है कि ये जी आपने पैसे कहाँ से लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो यूके चैप्टर है उसने पांच प्रॉपर्टीज, पांच दुनिया के मुख्तलिफ लीडर्स हैं उसमें से एक नवाज शरीफ का उन्होंने नाम लिख के डाली हैं चारों एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स, और बाकायदा दरख्वास्त दी है कि इसके ऊपर तहकीकात करें, ये करप्शन मनी है, सस्पेक्टेडली करप्शन देखिए मनी है, ये ये तो, फॉर्मली रिटन ये तो कंप्लेंट है। मैं देखिए बाहर पनामा भी बाहर बना है, वो बाहर से यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। इस तरफ बनाया ट्रांसपेरेंसी, किसी ने? अब हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो पनामा है, हम तो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गई हैं उसमें आपकी? आपके पूरी दुनिया के, खैर मेरी अब उस डिबेट का वो नहीं होगा, लेकिन वो बाहर तो बना है ना, उसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो तो बाहर ही है ना, बाहर से वो डॉक्यूमेंट्स लीक सारे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स तो बाहर ही लीक हुए, नॉट इन पाकिस्तान। जो पूरी दुनिया हमारे के मुल्क लीडरों में के हमेशा हमें एक 11 रवायत मिलियन रही है कि पीसेस लीक हुए हम हैं, बाहर उसमें से हमारे तो काफी थोड़े चीजें लोग अपने थे, मुल्क साढ़े में चार सौ लोग इंपोर्ट थे। करते हैं और फिर एक उस कहानी के ऊपर हम बिल्डअप करके पूरा पैरामिड खड़ा करते हैं और फिर हम नीचे से एक ये ईंट खींचते कितना हैं। ये हमारे ज़्यादा मुल्क की एक रवायत अनएक्सप्लेंड है। एसेट वाला जो लॉ है, ये मुझे लगता है ये काफ़ी ट्रबलसम हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, शर्म शर्म का बायस बन सकता है अगर देखिए बताना पड़ जो जाए वहाँ इस पे। वक्त मैंने तो कल भी ये मशवरा दिया है नवाज शरीफ साहब को कि आप अगली कैंपेन आपकी लंदन में होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी कवानीन के ख़िलाफ़ तो आपने काफ़ी भड़ास निकाल रही है। अब अगला जो मामला है वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ला रही हैं, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ अभी से बेहतर है कि ये आप कैंपेन ट्रांसपेरेंसी शुरू कर इंटरनेशनल दें। ब्रिटिश अथॉरिटी नहीं है, नहीं सॉरी टू नहीं इंटरप्ट, ब्रिटिश अथॉरिटी का वो लॉ है अनएक्सप्लेन्ड नहीं एसेट्स वो वाला लॉ है जिसको उन्होंने इंटरनेशनल, दखल वो दिया। पिटिशनर है ना, मैंने कहा हाँ वो ट्रांसपेरेंसी पिटिशनर इंटरनेशनल तो है। पिटिशनर है ब्रिटिश के ओके सामने। अब ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, और जब उनकी कार्रवाई अगर कंक्लूसिवली किसी नतीजे पे पहुंचती है नवाज शरीफ के ऊपर, तो मतलब पाकिस्तान की तो और हर ये अल्लाह की गारंटीड फजल नहीं है कि से कंक्लूसिव होगी। मौसर राज आपको पता है देखिए। ये अल्ताफ तो हुसैन वाले तब केस ये में तो 5 लाख पाउंड घर से मिला था, बाद में ऊपर बैठ ये गया नहीं, था। लेकिन लेकिन वो वो तो तो मेरे एक बात है ना, लेकिन आप देखें कि क्या इसके ऊपर ही हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो पहली पांच केसेस मार्क किए गए हैं जिनके ऊपर तफ्तीश हो रही है उनमें माशाल्लाह पाकिस्तान के वजीर आजम और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी शामिल जो है, इस लॉ के तहत जो पहले इस लॉ पांच के तहत केसेस की पहले दरखास्त पांच आई है उसमें से एक केसेस नवाज शरीफ एक साहब का नवाज नाम शरीफ आया। साहब, लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि हमने फैसला कर लिया है पार्टीज, हमारी जो पार्टी का इंटरेस्ट है और हमारा वो इतना मुकद्दम है कि उसके ऊपर पाकिस्तान, ये अभी PMLN के लोग जो हैं ये तो इनको ये जो मोदी है इसको भी इसी तरह ना डिफेंड करना शुरू कर दें।